गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन लाइफ विद गुंजन। आप मेरा चैनल देख रहे हैं एंड आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो भी कर सकते हैं जिसका नाम है डिज़ाइन लाइफ विद गुंजन। आप मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है गुंजन मधान। एंड इन दोनों के लिंक्स यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। एंड आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ जिसका नाम है इंस्टाग्राम। आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए इंस्टाग्राम फीड के बारे में एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज के बारे में। एंड आई सजेस्ट यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम इज टू पोस्ट योर स्टोरीज ऑन डेली बेसिस। आई नो आप लोग स्टोरीज में आपको लाइक मज़ा नहीं आता, आपको फीड पे पोस्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आई सजेस्ट यू आप अपनी स्टोरीज पे डेली पोस्ट करें। एंड आज मैं ये डिस्कस करूँगी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं अपनी फीड को कैसे डिज़ाइन करती हूँ, मैं अपनी स्टोरी मेरी बहुत ही ज़्यादा लाइक कुछ ना कुछ आर्ट होता है, एक मेजर कलर होता है मेरी स्टोरी में। एंड लाइक सो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी मेरी स्टोरीज के बारे में। बहुत लोगों के अपनी स्टोरीज कैसे पोस्ट करती हूँ। आप दो तरीके होते हैं स्टोरीज पोस्ट करने के, या तो आप स्टोरीज को एक ऐप्स आती है जैसे स्टोरी लक्स है एंड स्टोरी आर्ट है, लाइक बहुत सारी ऐप्स आती है, स्टोरी ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिलते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें पिक्चर्स डालनी है, वीडियोज डालनी है एंड आप उसे जस्ट पोस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे। बट इसके अलावा एक और टाइप होता है इंस्टाग्राम स्टोरीज को पोस्ट करने का जिसके थ्रू आप खुद क्रिएट कर सकते हैं ट्रिक्स टिप्स, और मैंने सब कुछ एक ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब वीडियो बना रखी है जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज के क्रिएटिव्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी ऐप, वो आप यहाँ पे मिल जाएगी आपको, वो आप जाके देखिए। एंड सो इंस्टाग्राम फीड में एक और तरीका होता है लाइक आपके पास स्टिल आपके पास स्टोरी लग स्टोरी आर्ट मेड एंड बहुत सारी अगर ऐप्स है तो आप उनमें अपनी पिक्चर पोस्ट करके एंड आप उसे कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम फीड पर भी पोस्ट कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, लाइक बहुत सारे ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर डिजिटल क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस हैक को। एंड अब इसके फीड के बारे में अब बात करते हैं। फीड में फीड के बहुत बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फीड में अगर आपको एक अच्छी फीड क्रिएट करनी है आई सजेस्ट यू नेगेटिव स्पेस का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। नेगेटिव स्पेस इज समथिंग लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, ये मेरे पास एक पीस है, ये आपका इंस्टाग्राम की फीड का बॉक्स है, यहाँ पे आपकी पिक्चर रखी, बाकी जो ये पूरा ब्लैक स्पेस है आपका जो बैकग्राउंड है वो एक नेगेटिव स्पेस है। सो जो बचा हुआ स्पेस होता है उसे नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। सो इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड सेकेंड थिंग इज यूजिंग ऑफ फिल्टर्स, आप एक ब्राउन फिल्टर यूज करें, ब्राउन शेड का फिल्टर को यूज करें अगर आपको फीड मेंटेन करनी है। अगर आपको नहीं फीड मेंटेन करनी तो आप कैसे भी पोस्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप प्रीसेट्स का यूज करें। प्रीसेट्स क्या होते हैं? प्रीसेट्स एक टाइप के फिल्टर होते हैं जो आप उसे सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लाइट रूम में जाके आप अपना प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं। एक VSCO, ये एक नेम की ऐप होती है, इसके नेम मैं यहाँ पे भी डाल दूंगी, वो आपको प्ले स्टोर पे एप्पल ऐप स्टोर पे आपको दोनों जगह मिल जाएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप उससे अपना एक प्रॉपर फिल्टर बना सकते हैं। अब फिल्टर कैसे बनाना है एक पर्टिकुलर कलर में, वो उसकी भी एक ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक्स डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं इसको कैसे क्रिएट किया जाता है प्रीसेट्स को। तो आप उसे अच्छे से यूज़ करिए। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ मोस्ट आस्क फ्रॉम मी विच ऐप आई यूज़ इन माई एडिटिंग। आई नो पिक्चर्स को एडिट करना इज लाइक आप उसे आर्टिफिशियल बना रहे हो, एक ओरिजिनल पिक्चर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू कन्वे दिस थिंग, पिक्चर को एडिट करना इज नॉट रॉन्ग थिंग। अगर आपको कोई कमेंट भी कर रहा है जस्ट लेट इट गो, बट एडिटिंग मेक्स अ पिक्चर प्रेजेंटेबल। सो ऐप्स कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, आप एक बिगनर हो आपके पास ये तीन ऐप्स होनी ही होनी चाहिए। फर्स्ट ऐप इज स्नैपसीड। स्नैपसीड का पूरा ट्यूटोरियल मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे जाके एक हाईलाइट सेक्शन में बना रखा है जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं।
सो द थर्ड ऐप इज तेजा. मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी तेजा को आप परचेज ही करिए, आप बिना परचेज करे तेजा को भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक उसके जो चार फिल्टर्स हैं वो आप स्टिल यूज़ कर सकते हैं. तेजा में आप कलर्स का भी है, ग्रीनी पिक्चर्स का भी है. सॉरी बट ये iOS यूजर्स के लिए ही है तेजा ऐप, बट Lightroom और Snapseed ये दोनों यूजर्स के लिए है. फॉर एंड्रॉयड यूजर एंड iOS यूजर्स दोनों के लिए है. सो आप Lightroom एंड Snapseed इज अ मस्ट ऐप. द फोर्थ क्वेश्चन विच इज मोस्ट आस्क्ड इज आपको ग्रेनी पिक्चर्स बिना इफेक्ट के कैसे डालूं. सो आपको अपने पिक्चर्स बहुत ज़्यादा ग्रेनी पसंद है, ट्राई करें जब आप अपनी पिक्चर ले रहे हैं या तो बहुत डार्क में लें, थोड़ी सी शेडो आ रही हो, या वो पिक्चर आप रात के टाइम में लें तो वो पिक्चर थोड़ी सी ग्रेनी आएगी. एंड वन मोर थिंग, आप लाइक शाम हो रही है तब आप ग्रेनी पिक्चर्स ले सकते हैं. एंड Lightroom का भी ट्यूटोरियल मैंने ग्रेनी पिक्चर्स का दे रखा है. दो वेज होते हैं पिक्चर्स को ग्रेनी करने का, एक आप रात में पिक्चर लेंगे तो आपकी पिक्चर थोड़ी सी ग्रेनी आएगी. सेकेंड थिंग, Lightroom में ऑलरेडी ऑप्शन है, तेजा में ऑलरेडी ऑप्शन है ग्रेनी पिक्चर्स को करने का, सो आप उसे यूज़ कर सकते हैं. चार टिप्स आपके पास आपको बहुत हेल्प करेगी, आपकी फीड को आपकी स्टोरी को अच्छे से एनहेंस करेगी. फर्स्ट इज योर क्रिएटिंग योर स्टोरी, जो कि लिंक उसका मैं फिर भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. सेकेंड इज क्रिएटिंग योर फीड, जो प्रीसेट्स यूज करें, आप एक फिल्टर यूज करें, पर्टिकुलर फिल्टर को कंटिन्यू करें अपनी पिक्चर्स में, कहीं जाने के नीड नहीं, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छे रहेगी. थर्ड इज ग्रेनी पिक्चर्स कैसे क्रिएट करें उसका भी आपके पास होएगा. एंड फोर्थ इज editing apps कौन कौन सी must. If you like my channel, if you find anything interesting or helpful in this video, so do like, share and subscribe to my channel and don't forget to subscribe especially. So see you in my next video.